नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इंदौर से ग्राम शिहाशा में विशाल भंडार। इंदौर शहर के समीप ग्राम शिहाशा में नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ग्राम वासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और समस्त ग्राम वासियों ने मां नर्मदा से प्रार्थना करी कि हमारे ग्राम में ऐसी ही कृपा बनाए रखना एवं कार्यक्रम में माननीय विधायक मधु वर्मा जी भी लील। जब हमारे द्वारा आयोजक जितेंद्र चौहान जी से चर्चा करी तो उन्होंने हमें बताया कि ये मां नर्मदा की कृपा एवं उनका ही आशीर्वाद है जिसके कारण ये कार्यक्रम हो रहा है। एवं आयोजक ने हमें बताया कि भंडारे में लगभग 8 से 9 हजार भक्तों ने प्रसादी ग्रहण करी है एवं आयोजन में विशाल भजन संध्या का भी आयोजन किया गया एवं आयोजन में मुख्य भूमिका जितेंद्र चौहान, अशोक ठाकुर, हर्ष पटेल, लकी ठाकुर, प्रकाश पटेल, दिलीप पटेल, जिला पंचायत मुकेश जी, जनपद सदस्य घनश्याम सिंह पटेल पूर्व सरपंच एवं नारायण सिंह चौहान सरपंच, अज्जू यादव, लेखराज चौहान, मनोज जी मौजूद रहे, संवाददाता फारूक मंसूरी। आज तक 24 न्यूज। कार्यक्रम में भजन संध्या का भी आयोजन संध्या है और भोजन प्रसादी का रखा गया। आपका परिचय? आज किस प्रकार कार्यक्रम था और कार्यक्रम का उद्देश्य? आज हमारे गांव में एक नई परंपरा चालू करी जितेंद्र चौहान ने, जो कि अपनी नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में एक शानदार भंडारा किया गया। 8-10 हजार लोगों ने शादी ग्रहण की और हमारे क्षेत्रीय विधायक और हमारे गांव के लोग, सभी वर्ग के, सभी समाज के, सभी धर्म के यहां पर रहे और उन्होंने अपनी सेवा दी और इस शानदार भंडारे के लिए मैं जितेंद्र चौहान को मेरे तरफ से बधाई देता हूं। आपका परिचय? गुरु सरपंच घनश्याम पटेल। आओ चल रही ना वीडियो बंद करके चालू कर। आज किस प्रकार कार्यक्रम था यहाँ पर? सियासा करो बहुत शानदार और अच्छा कार्यक्रम। आज माँ नर्मदा की जयंती पे आज हमारे करुणा जितेंद्र चौहान ने जो कार्यक्रम रखा है भोजन प्रसादी का, इसमें तकरीबन अभी 2-3 घंटे तक लगातार चल रहा है। कम से कम 8-10 हजार पब्लिक तो उसमें अभी प्रसाद ग्रहण कर चुकी है और हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय मधु वर्मा जी भी यहाँ आए थे और हमारे एक आदरणीय और परशुराम जी सिसोदिया जी भी आए थे मंसूर से, हमारे बागरी समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सभी वर्ग के हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता और हमारे ग्रामीण जन सबका सहयोग और सबके आशीर्वाद से काम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, इसलिए मैं जितेंद्र को भी बधाई दूंगा, उसके टीम को भी और हमारे गांव के एक एक तरुणाई युवा साथियों को भी बधाई दूंगा। आपका परिचय? दिलीप श्रीराम पटेल, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड क्रमांक 4। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।